ओके हेलो बच्चों, तो आज नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखें क्वेश्चन, पहले डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं जो अलग अलग क्वेश्चन आया है। जैसे 2017 में आया था वन मार्क्स में, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। बताओ क्या करेंगे, सोचो करके देखो। आप पहले 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, देखो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, 10x के जगह पर t मान लेते हैं, 10x इक्वल टू t पुट करेंगे। अरे मोबाइल फोड़ देंगे। 10x इक्वल टू t, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और x का हो गया dx और बराबर dt। तो dx इक्वल टू क्या होगा, dt बाय सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, i इक्वल टू इस 10x के जगह पर t और सेक स्क्वायर एक्स रहने दिया, और dx के जगह पर क्या आया, dt बाय सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स कैंसल हुआ, तो t इंटू क्या हो गया dt, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 और प्लस का c। तो i इक्वल टू t का वैल्यू अब रख दो 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये आंसर आया। तो 2017 में ये वन मार्क्स में दिया था, वन मार्क में, ठीक है, वन मार्क का क्वेश्चन था। अब देखो 2016 का वन मार्क का क्वेश्चन क्या था, 2016 में वन मार्क्स का क्वेश्चन था, एक्स का पावर 4 बटे प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्या था, एक्स का पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है आपका, ये रैशनल फंक्शन में है लेकिन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ऊपर का डिग्री जो है नीचे से कम है। ये जो फंक्शन है ये रैशनल तो है लेकिन ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो जब ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से ज़्यादा हो या बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर को डिवाइड कर लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 4 प्लस 1, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पे पावर 4 बनेगा, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक कटा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1, अब ये बच्चों क्या हो गया प्लस, और ये भी प्लस, ये कट गया, ये आया रिमाइंडर 2। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा कि आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोशियंट आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, कोशियंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 2 डिवाइडेड बाय जो डिवीजर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पूरा ऐसे लिखते हैं हम लोग, dx क्या करते हैं, नीचे से ऊपर को डिवाइड करना है, जो कोशियंट आएगा कोशियंट लिखेंगे प्लस रिमाइंडर बटे जो डिवाइजर होगा उसको लिखते हैं। अब ये देखो इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग और इसको अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस ये 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन लिया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हुआ। तो i इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स और ये प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो गया, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वन मार्क्स का दिया गया था 2015 में, वो बहुत ही इजी है। देखो सब्स्टिट्यूशन से, मतलब सिंपल
सब्स्टिट्यूशन से आपको वन मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव में उसी टाइप के क्वेश्चन आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 2014 में जो दिया था वन मार्क्स में, कॉस ऑफ लॉग एक्स बटे एक्स डी एक्स, ये चीज था। तो यहां पर देखो कॉस के अंदर लॉग एक्स है, जब भी कोई फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठा हो तो वो अंदर वाले फंक्शन को हम लोग हटाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उसका डेरिवेटिव जनरली प्रेजेंट रहता है मल्टीप्लाई में, और नहीं भी रहा तो हम लोग बनाएंगे, नहीं भी रहा तब भी हम लोग बनाते हैं। तो देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव ना वन बाय एक्स होता है, तो वन बटे एक्स तो है, इसीलिए हम क्या कर लें कि पुट कर लेते हैं लॉग एक्स इक्वल टू वन टी, लॉग एक्स इक्वल टू टू टी। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, और एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इंटू डी टी आया, एक्स इंटू डी टी आया। तो बताओ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स की जगह टी कॉस टी बना, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर एक्स इंटू डी टी। तो यहां से एक्स और एक्स कैंसिल हुआ, तो I इक्वल टू कॉस टी डी टी हुआ। तो कॉस टी का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस का इंटीग्रल होगा साइन टी और प्लस का C। तो I इक्वल टू साइन और T के जगह क्या रखना है लॉग X और प्लस C, ये आंसर हो गया। 2014 में ये था, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो वन मार्क्स का पूछा गया था। अब देखो कुछ जो फोर मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बच्चों फोर मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, टू थाउजेंड फिफ्टीन में देखो क्या पूछा गया, ई पे पावर एक्स माइनस वन, e पे पावर x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल क्यूब। यानी अभी का ट्रेंड जो है उसमें देखा गया, अभी जो दो चार साल में है, क्या पूछा गया फोर मार्क्स में, रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने या तो पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन 2015 में क्वेश्चन जो आया है वो देखो अलग आया है, रेशनल फंक्शन का नहीं, ई पे पावर एक्स वाला, बाई पार्ट वाला, ठीक है। यानी बाई पार्ट से फोर मार्क्स का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट होता है ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस का सी, ये चीज होता है। मतलब ई पे पावर एक्स अगर आपको कभी दिखे ना तो आप अंदर जो फंक्शन रहेगा ई पे पावर एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर ई पे पावर एक्स दिखता है तो उसके साथ मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को अगर आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तो कर दो। टू पार्ट्स में ऐसे ही आपको बांटना है कि एक फंक्शन रहे और दूसरा जो है उसका डेरिवेटिव रहे और बीच में क्या प्लस, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करो। तो चलो यहां हम लोग बनाते हैं I इक्वल टू e पे पावर x इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखो, यहां एक काम करते हैं, नीचे x प्लस वन है तो ऊपर भी हम x प्लस वन बनाते, तो x प्लस वन लिखा यानी प्लस वन अपने से ऐड कर दिया, तो माइनस वन भी करेंगे खुद से, यानी प्लस वन ऐड कर देते हैं और वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस वन पहले से है तो ये माइनस टू बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब और ये डी एक्स। अब देखो आई इक्वल टू ई पे पावर एक्स लिखा, अब क्या करेंगे एक्स प्लस वन इतना बटे इतना और इतना बटे इतना लिखते हैं, तो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ये रहा। देखो
अब बच्चों इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सोचो e पे पावर x इंटू ये x प्लस वन से कटेगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो 1 बटे x प्लस वन का ये होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। और यहाँ प्लस लिख दिया और इसको लिख दिया माइनस 2 बटे x प्लस वन का होल क्यूब, और ये dx। अब सोचो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, जैसे मान लो ये एफ एक्स है, ये दिख रहा है हमको, पता चल गया कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, ये हमको मालूम चल गया है, ठीक है। वो आपको चले या नहीं चले, लेकिन हमको पता चल गया कि इसका जो डेरिवेटिव है ये यही वाला है, तो फिर भी चलो हम बताते हैं करके। जैसे मान लो एफ एक्स ले लिया इसको 1 बटे एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वन का पावर माइनस टू, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये माइनस टू मल्टीप्लाई में आया और एक्स प्लस वन का पावर जो है एक और कम हो जाएगा, यानी माइनस थ्री हो गया, ठीक। तो अब इस ये क्या आया एफ डैश एक्स, अब क्या आएगा बताओ, माइनस टू बटे ये माइनस पावर है इसलिए इसको फंक्शन को नीचे ले आते हैं तो ये प्लस हो गया। तो मैं बताया था ना कि हमको मालूम है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये आपको करके बताना पड़ेगा, 4 मार्क्स में दिया जाए अगर तो आपको बताना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव ये है। अब इसका डेरिवेटिव ये हो गया तो हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या है 1 बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो 1 बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस सी, तो यही आपका आंसर हो गया ई पे पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो ये ज़्यादा इजी है किससे, वो रैशनल फंक्शन का जो देता है इंटीग्रेशन करने, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2014 में जो दिया था, 2014 में, ये भी डिफरेंट है। क्या लिखा है जानते हो, e पे पावर x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इंटू ई पे पावर x माइनस 2 इंटू ई पे पावर x और ये dx, ये चीज। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, हर एक जगह e पे पावर x दिख रहा है, e पे पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पे पावर x ही होता है, ठीक है। तो e पे पावर x को ना t मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, या तो पुट कर लो e पे पावर x का वाई इक्वल टू t मान लिया हम लोगों ने, ये t मान लिया। तो e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x और x का dx और बराबर क्या हो गया dt, ये हुआ। तो देखो e पे पावर x इंटू dx की जगह dt रखा जाएगा तो ये इंटीग्रेशन किस में बदलेगा, ये ऊपर हो गया dt आपका और नीचे देखो हो गया क्या 5 माइनस 4 टी माइनस, यहाँ ई पे पावर x ही था, ई पे पावर 2x होना चाहिए था एक जगह, देखें 2014 निकालो, यहाँ होगा बच्चों e पे पावर 2x होगा, ठीक है, e पे पावर 2x ऐसा था क्वेश्चन, e पे पावर 2x, ठीक है। तो अब इसको देखो e पे पावर x को हम लोग t माने हैं, तो e पे पावर 2x को आप ऐसे लिख सकते हो e पे पावर x का स्क्वायर, क्योंकि ये x और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, तो क्या होगा t स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक जब बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको बना लें, क्या करें, देखो आई डी टी बटे, अब ध्यान देना यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये टी स्क्वायर जो है ना माइनस में, तो इसको प्लस बना लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 4 टी
और ये प्लस फाइव क्या हो गया माइनस फाइव, ठीक है। तो I इक्वल टू डी टी बटे रूट अंडर माइनस, अब ये देखो t प्लस टू का होल स्क्वायर बना, t प्लस टू का ये होल स्क्वायर बना। अब टू यहां पर क्या था, हमने टू t प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या करेंगे टू का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी माइनस फोर होगा और माइनस फाइव होगा। आपको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया हूं, ठीक है, अलग से एक वीडियो भी बना हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर, तो ये हो गया। तो क्या होगा, आप देखो I इक्वल टू डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे रूट अंडर, ये देखो बच्चों माइनस नाइन हुआ और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नाइन हो जाएगा और माइनस टी प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन किस में चला गया, डी टी बटे, देखो क्या हो गया, ये टी प्लस थ्री स्क्वायर, नाइन को लिख सकते हो थ्री का स्क्वायर, माइनस टी प्लस टू का होल स्क्वायर। ये तब ये कौन सा फॉर्मूला में, अब ये देखो फॉर्मूला में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लिख देते हैं, यूजिंग डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा है, ये इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है कि नहीं, डी वन बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, ठीक है। तो अब इसको लगा लो, साइन इनवर्स एक्स के जगह पर देखो, एक्स के जगह पर टी प्लस टू है तो टी प्लस टू बटे, ये के जगह पर थ्री है तो ये प्लस थ्री बटे थ्री और प्लस का सी। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स, टी का वैल्यू क्या लिया है हम लोगों ने, टी लिया है ई पे पावर एक्स, तो यहां हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस टू बटे थ्री और ये प्लस सी। तो ये आंसर रहा आपका। चलो नेक्स्ट, जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है अभी तक वो देखो, और बच्चा लोग आए क्या पप्पू, तब तुम लोग सिलेबस बढ़िया से, एक सप्ताह छुट्टी करवा देते हैं। 2013 में जो क्वेश्चन था, वन बाय वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 2013 में जो क्वेश्चन आया है वन बाय वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो ये टू मार्क्स में दिया था, मतलब फोर मार्क्स का क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया था, एक ये वाला दिया था फर्स्ट में और एक और क्वेश्चन दिया था सेकेंड में, जैसे ये दिया था 2013 में और एक और था सेकेंड क्वेश्चन, टेन रेज टू द पावर फोर एक्स डी एक्स, ये दो क्वेश्चन था। तो टू टू मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चन हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो क्या करोगे इसमें, दो तरीके हैं, वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या तो इसका रैशनलाइजेशन कर लो, चलो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। देखो तो वन प्लस कॉस एक्स है तो वन माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, यानी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दिया, वन माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस कॉस एक्स हुआ और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आप सेपरेट करोगे तो क्या होगा, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस बाय साइन कॉट एक्स और वन बाय साइन जो है वो कॉस एक्स आएगा। आप बच्चों इसको अलग अलग करोगे, ये जानते हो इतना तो आप स्टेप जंप कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में भी। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ,
माइनस कॉट एक्स, और ये कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस तो पहले से है और ये माइनस कॉसेक एक्स और प्लस का सी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स और ये प्लस क्या क्या हो गया सी हुआ, तो ये अंश देखो ऐसा हो गया। अब 10 पे पावर 4x कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, 10 पे पावर 4x का इसको लिख सकते हो, देखो टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और लिख सकते हो तो आगे देखो क्या करें, एक टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो, लिखो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन और इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स हुआ sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बीच में माइनस है तो माइनस ले लिया, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या डी एक्स। अब देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव यहां sec स्क्वायर एक्स है, तो क्या करें पुट कर लेते हैं इसमें टेन एक्स बराबर टी, तो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, यानी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आएगा और टेन एक्स की जगह टी आएगा, तो ये क्या बना ये बन गया टी स्क्वायर टेन एक्स की जगह टी sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो फिर से sec स्क्वायर एक्स माइनस वन में, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो अब देखो यहाँ क्या हुआ टी स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी का पावर थ्री बटे थ्री हुआ कि नहीं, माइनस sec स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस माइनस प्लस वन का एक्स और प्लस का क्या सी राइट। तो अब बताओ आई इक्वल टू टी के जगह पर क्या रखना है टेन एक्स, तो ये बन गया टेन क्यूब एक्स बटे थ्री माइनस टेन एक्स और प्लस का एक्स और प्लस का क्या सी। तो ये तो 2013 में ये दोनों क्वेश्चन दिया था 2-2 मार्क्स का, ये डिफरेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलो पार्शियल फ्रैक्शन का था 2016 में जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर लेंगे 2016। ये दिया देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कैसे करोगे बोलो। सबसे पहली बात देखो कि ऊपर का डिग्री जो है ना टू है और नीचे का डिग्री कितना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब थ्री है डिग्री, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कोई दिक्कत नहीं है, तो अब चलो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और नीचे फैक्टराइज के फॉर्म में भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिख सकते हो ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू और प्लस, अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन क्वाड्रेटिक है, जब नीचे क्वाड्रेटिक रहता है ना होल स्क्वायर वाला रहता है तो ऊपर हम लोग लीनियर लेते हैं ऐसे बी एक्स प्लस सी लेते हैं
और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक रहा तो ऊपर लीनियर लोगे, यानी बी एक्स प्लस सी, पी एक्स प्लस क्यू, कुछ भी ले लो आप इस तरह से। आप देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम ये कट जाएगा, ठीक है, ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू, ये चीज आएगा। अब क्या करें, इसको हम लोग इक्वेशन वन मानते हैं। और बच्चों देखो यहाँ तीन अननोन है, ए बी और सी, तो आपको तीन इक्वेशन बनाना है, तो तीन इक्वेशन फॉर्म करना है। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तीन इक्वेशन बनेगा, तीन एक्स का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख लो इसमें। तो एक काम करते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस टू रखते हैं, क्योंकि माइनस टू अगर रखेंगे तो ये देख रहे हो एक्स प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू हम लोग को आसानी से मिलेगा। तो पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस टू इन वन, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू और प्लस वन बराबर ये इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, और ये तो माइनस टू प्लस टू ये जीरो हुआ, क्या बन गया ये फोर माइनस टू प्लस वन, और ये फोर प्लस वन फाइव ये। अब बच्चों यहाँ देखो चार और एक पाँच, पाँच में दो गया कितना तीन, तो ये थ्री बराबर फाइव ये बन गया। तो ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू आया थ्री बटे फाइव, देखो ये आसानी से मिला। अब हम क्या करें, पुट कर लेते हैं एक्स के जगह पर जीरो इन वन, जीरो पुट करते हैं, तो इधर देखो जीरो प्लस जीरो प्लस वन, वन बन गया लेफ्ट साइड। अब यहाँ देखो ये बन गया जीरो प्लस वन यानी ए, और प्लस बी एक्स मतलब ये तो जीरो हो गया, और ये सी, सी इंटू टू यानी टू सी बना। तो देखो वन बराबर ए का वैल्यू थ्री बाई फाइव प्लस टू सी, तो क्या होगा टू सी इक्वल टू वन माइनस थ्री बाय फाइव, यानी टू सी इक्वल टू आ जाएगा टू बाय फाइव। तो यहाँ से c का जो वैल्यू आएगा बच्चों, c का वैल्यू वो आ जाएगा आपका वन बटे फाइव, तो c का वैल्यू आया वन बटे फाइव। लाना दूसरा मार्कर, इंक डाल के नया वाला ही होगा, न्यू मार्कर होगा, देखो उसमें इंक डाल लेना, c इक्वल टू वन बाई फाइव आया। अब हम लोग को केवल अब b निकालना है, तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू मैंने बोला कुछ भी रख सकते हो, तो x का वैल्यू वन रख लेते हैं इन वन में, सबसे छोटा वैल्यू यही है, तो वन रखोगे वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो गया, ये वन प्लस वन टू ए हो गया, प्लस अब देखो वन रखेंगे तो बी प्लस सी, बी प्लस सी, और वन प्लस टू ए कितना हो गया बच्चों थ्री। अब एक काम कर लो, थ्री इक्वल टू टू ए प्लस थ्री बी सी, थ्री बी प्लस कितना थ्री सी, तो थ्री इक्वल टू टू इन टू ए, ए का वैल्यू कितना है तीन बटे पाँच, तो ये तीन बटे पाँच, प्लस बी का वैल्यू नहीं निकला है तो थ्री बी लिखा, और प्लस थ्री इन टू सी का वैल्यू वन बटे फाइव। तो बच्चों क्या हुआ, थ्री इक्वल टू तीन दूना छः बटे पाँच प्लस तीन बटे पाँच और प्लस थ्री बी, ठीक है। चलो आगे ऐड करें, थ्री इक्वल टू आगे सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम फाइव आएगा और छः तीन नौ, नौ बटे पाँच बरा प्लस थ्री बी, तो यहाँ से थ्री बी इक्वल टू क्या आ रहा है थ्री माइनस नाइन बाय फाइव, तो थ्री बी इक्वल टू पाँच तीय पंद्रह, पंद्रह में नौ गया छः बचेगा, छः बटे पाँच, तो ये कटा दो बार में, तो b का भी वैल्यू दो बटे पाँच आया। तो देखो जब ये इंटीग्रेशन देता है ना पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो ज़्यादातर काम तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही होता है, मैक्सिमम काम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। फिर भी मैं शॉर्ट करने का ट्राई किया हूँ यहाँ पर, कि शॉर्ट तरीके से हम ए बी और सी का नॉन का वैल्यू निकाल लें। तो क्या होगा, अब इस फंक्शन के जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए बी और सी का वैल्यू मिल गया है। तो सोचो जो इंटीग्रेशन दिया है आपका, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हो,
इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, ये का वैल्यू कितना है, ये का जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू है बच्चों 3/5, ए का वैल्यू कितना है 3/5, ठीक है। तो ये का वैल्यू हम लोगों के पास 3/5 है, तो यहां देखो 3/5 बटे x प्लस 2, फिर प्लस b का वैल्यू हमारा है 2/5, तो 2/5x बटे और प्लस में c का वैल्यू है 1/5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरे ये dx ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान देना इसको क्या लिख सकते हो, 3/5 कॉमन आया, इंटीग्रेशन 1/x + 2 लिखा, dx ये हो गया, ठीक है। फिर देखो प्लस 2/5 इंटीग्रेशन किसका, x बटे, अच्छा ये 2 को अंदर रहने देते हैं, इसको ऐसे लिख दो, अब बताएंगे क्यों अंदर रहने दिया, यहाँ 1 लिख दिया, 2x/x² + 1 dx, यानी 1/5 हम कॉमन ले लिए, ठीक है, और प्लस 1/5 कॉमन लिया तो 1/x² + 1 dx लिया। अब ध्यानपूर्वक देखो i = 3/5, 1/x + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x + 2 प्लस 1/5। देखो बच्चों नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर है, x² + 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा, और 2x ऊपर डायरेक्ट है, तो अगर नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको भी log में लिख लेंगे, log x² + 1, राइट, और 1/5। अब ध्यान दो इधर, 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देखो पार्शियल फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन करने में, और जैसे पार्शियल फ्रैक्शन होता है इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था 2016 में दिया था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं 2017 में जो दिया है, 2017 में, उसके बाद नेक्स्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास से डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख लेंगे। डेफिनेट तो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है हर एक साल, हाँ थोड़ा सा उधर दो दो क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज से पूछा गया है क्वेश्चन 2017 का, देख लो 2017 में पार्शियल फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा अलग, ये देखो, मतलब जितना भी अगर हम 5-10 साल का करें क्वेश्चन, तो ये 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी वैरायटी का आ गया जो एनसीईआरटी में आपका है, मतलब सभी वैरायटी, कहने का मतलब कि जो अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड से, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का अभी आपने देखा, नीचे क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हुआ उसका भी आ गया, नीचे सब लीनियर फैक्टर था वो भी क्वेश्चन आ चुका है, अब ये देखो यहाँ होल स्क्वायर वाला है ना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया, तो इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक्स बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो इसको दो बार लिखेंगे, ए बटे एक्स माइनस वन और प्लस बी बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पावर 3 रहता ना तो एक और लेके चलते हैं, मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार ये लिखा जाएगा, एक बार पावर 1 फिर 2 फिर मान लो 3 रहता तो 3 तक जाता, और प्लस सी बटे एक्स प्लस टू ये लिखा। अब बच्चों देखो एलसीएम तो आएगा यही वाला, इधर भी जो इसका एलसीएम लोगे ना तो यही आएगा, इसलिए कट जाएगा, लेकिन ए के साथ क्या रहेगा, देखो एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन से यही एलसीएम है, सोचो तो एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड करोगे ना तो एक्स माइनस वन एक बचेगा और एक एक्स प्लस टू बचेगा, ठीक है, प्लस बी इंटू, अब एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करते हो तो एक्स प्लस टू आपका केवल बचता है, तो एक्स प्लस टू लिखा, और सी इंटू एक्स प्लस टू से इसको डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा, ये आपका 1 हो गया, राइट।
तो एलसीएम लेना, उसके बाद आप तो जानते हो ये चीज। अब देखो बच्चों हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं। अगर मैं एक्स की जगह वन पुट करता हूँ तो ये देखो वन माइनस वन जीरो बन जाता है, और फिर ये वाला वन माइनस वन जीरो बन जाता है, मतलब बी निकल जाएगा आराम से। तो पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू वन इन वन में, तो ये वन हुआ बराबर वन माइनस वन ये जीरो बना, और प्लस वन प्लस टू कितना बन गया थ्री बी, और वन माइनस वन वो जीरो हो गया बच्चों। तो यहाँ से देखो बी का वैल्यू जो आया वो आपका वन बाई थ्री आ गया, राइट, वन बाई थ्री आया। अब एक बार पुट कर दो आप एक्स इक्वल टू माइनस टू इन वन में, देखो माइनस टू पुट करने से देखो माइनस टू प्लस टू ये जीरो हुआ, ये भी जीरो हुआ, तो सी मिल जाएगा। तो ये माइनस टू इक्वल टू ये जीरो बना, ये भी जीरो बन गया, एक्स प्लस टू जहाँ भी ये जीरो बनेगा, और ये माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन सी। ये आप जितना छोटा कैलकुलेशन कर सकते हो उतना बढ़िया है। तो c इक्वल टू कितना आ गया माइनस टू बाई नाइन, माइनस टू बाई नाइन, ठीक है। तो ये माइनस टू यहाँ पुट किया था, तो माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हुआ, माइनस थ्री का स्क्वायर। अब तुम x के जगह और भी कुछ पुट कर सकते हो, देखो x बराबर जीरो रख लो, सबसे छोटा वैल्यू ये है, तो इधर जीरो हुआ इक्वल टू ये माइनस वन और प्लस टू, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, तो माइनस टू ये बना, ये देखो बच्चों प्लस टू बी बना, इक्वेशन बन जा रहा है, और यहाँ जीरो रखेंगे तो सी बन गया। हमारे पास वैल्यू मिल चुका है किसका किसका, चलो टू ए को इधर कर लेते हैं, ए को ही निकालना, माइनस टू ए प्लस टू ए बन गया, टू इन टू बी, बी का वैल्यू कितना आया वन बाई थ्री, राइट। सी का वैल्यू आया माइनस टू बाई नाइन, ठीक है। तो क्या हो गया टू ए इक्वल टू, टू ए इक्वल टू टू बाई थ्री माइनस टू बाई नाइन, ठीक। तो टू ए इक्वल टू एल सी एम नाइन हो गया, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा इससे डिवाइड करोगे थ्री आएगा ना माइनस टू, तो टू ए इक्वल टू आ गया फोर बाई नाइन, तो ए इक्वल टू आ गया टू बाई नाइन, ए का भी वैल्यू टू बाई नाइन आया। देखो ए का वैल्यू टू बाई नाइन आया, बी का वैल्यू वन बाई थ्री, और सी का वैल्यू माइनस टू बाई नाइन आया है। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है आपका x बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं क्या a बटे एक्स माइनस वन, ए मतलब टू बाई नाइन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, प्लस b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू कितना है वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू है माइनस टू बाई नाइन और बटे में कितना x प्लस टू, ये ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख लिया। अब देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे i इक्वल टू, देखो बच्चों टू बाई नाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस वन बाई थ्री कॉमन ले लेते हैं वन बाई थ्री। अब ये देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर है नीचे ना, इसको आप ऐसे ऊपर करके लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस लिखा टू बटे नाइन लिखा वन बटे एक्स प्लस टू डी एक्स लिख दिया, ऐसे लिख सकते हो, बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो आई इक्वल टू टू बाई नाइन वन बटे एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन हो गया लॉग मोड एक्स माइनस वन प्लस वन बाई थ्री। अब ये देखो बच्चों ये पावर ये लीनियर है ना, माइनस टू गुना में आएगा, सॉरी एक पावर बढ़ जाएगा, तो पावर बढ़ेगा तो क्या होगा बोलो, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, और बटे माइनस टू प्लस वन है ना, पावर ला इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। माइनस टू बाई नाइन और इसका हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस टू और प्लस का क्या सी। तो आई इक्वल टू क्या हो गया टू बाई नाइन लॉग मॉड एक्स माइनस वन। अब ये देखो बच्चों ये माइनस वन आ रहा है यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस वन बाई थ्री हो गया, और वन बटे इसको लिख सकते हो माइनस वन पावर बच रहा है, तो एक्स माइनस वन इस प्रकार से, और माइनस टू बाई नाइन लॉग मोड एक्स प्लस टू प्लस सी, बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, वो आप लोगों ने देखा ऑब्जर्व किया कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। कंक्लूजन ये निकला कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया है,
तो एनसीईआरटी में जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसको आप कम से कम 3 से 4 बार बनाइए, 3 से 4 बार सॉल्व करो, वन टाइम में नहीं होने वाला है, 3 से 4 बार इसको रिपीट करो, तब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप 100% बोर्ड के एग्जाम में करके आ जाओगे। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि कौन कौन से एक्सरसाइज को एकदम कर ही लेना चाहिए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो एक्सरसाइज है ना, मतलब इस फॉर्मूला इंटीग्रेशन जरूर कर लेना, लीनियर बटे क्वाड्रेटिक, लीनियर बटे रूट अंडर क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करना है। दूसरी बात, ये वाला भी क्वेश्चन करना है रूट अंडर क्वाड्रेटिक का, मतलब बोले तो जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है उसको जरूर कर लेना इस फॉर्म का। दूसरा चीज, पार्शियल फ्रैक्शन का जरूर क्वेश्चन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जरूर करना है, यही आपका 3 मार्क्स में आने का चांस बनता है, मैक्सिमम चांस, वैसे दिया कुछ भी जा सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी का कोई भी एक्सरसाइज का दिया जा सकता है, लेकिन ये 2 चीज़ जरूर कर लेना। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।